सो ये क्वेश्चन जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे है, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर एक रूट कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एक रूट कभी भी अगर ए प्लस रूट भी होता है तो दूसरा रूट जो होगा दैट वुड बी ऑलवेज ए माइनस रूट बी। ठीक है, तो क्योंकि बीच में प्लस माइनस लगा होता है जब हम वैल्यू निकालते हैं, तो एक रूट अगर ए प्लस रूट बी की फॉर्म में है तो दूसरा पक्का ए माइनस रूट बी की फॉर्म में होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि सपोज वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन है हमारे पास ए एक्स स्क्वेयर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसका एक रूट जो है वो 2 + √3 है, तो अगर एक रूट 2 + √3 है उसे अल्फा बोल देते हैं, तो अल्फा का वैल्यू अगर 2 + √3 है तो जो सेकेंड रूट होगा दैट इज बीटा, तो वो पक्का 2 - √3 होगा। एक रूट अगर 2 + √3 है तो दूसरा 2 - √3 होगा। ठीक है, और ए बी सी तीनों ही रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, एंड इट इज ऑल्सो गिवन दैट बी का जो वैल्यू है वो सी क्यूब है। बी का जो वैल्यू है वो सी क्यूब है, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। और मॉडुलस ऑफ ए पूछा हुआ है, मतलब कि ए का वैल्यू बताना है हमें, क्या बनेगा मॉडुलस के अंदर, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है। तो ये क्वेश्चन है, देखिए कैसे करना है। तो कभी किसी क्वेश्चन में रूट्स की बात हो तो दो बातें हमेशा ध्यान रखते हैं। पहली कि सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है माइनस बी बाय ए, तो वहाँ साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, इक्वेशन, अच्छा माइनस बी बाय ए जब हम बोलते हैं तो इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ ताकि आप ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखें। ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है यदि, तो सम ऑफ रूट्स विच इज अल्फा प्लस बीटा ये होगा आपका माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच इज अल्फा इंटू बीटा ये होगा आपका सी बाय ए। ठीक है, तो इस केस में जो हमारे पास इक्वेशन है इसके अंदर अल्फा प्लस बीटा क्या बनेगा, इसके अंदर बनेगा बी बाय ए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है बेसिकली। और तो अगर अल्फा प्लस बीटा ये है तो दैट इज नथिंग बट सम ऑफ रूट्स, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बनेगा अल्फा इंटू बीटा विच इज ऑलवेज इक्वल टू सी बाय ए। तो अगर हम सम ऑफ रूट्स की बात करें तो एक रूट अगर 2 + √3 है तो दूसरा रूट जो है हमारा वो 2 - √3 है, तो दोनों का सम कितना बनेगा, दैट इज 2 + √3, और दूसरा है जो वो है 2 - √3, तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सम ऑफ रूट्स निकल के आएगा हमारा 4, मतलब बी बाय ए का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 4। ठीक है, तो इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ऐसे ही अगर हम सी बाय ए निकालें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो वो बनेगा 2 + √3, अल्फा अल्फा है 2 + √3 और बीटा है हमारा 2 - √3, तो 2 - √3। ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वेयर विच इज़ 4 और √3 का स्क्वेयर विच इज़ 1 विच इज़ 3, तो ये वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी, तो इसे इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे b बाई ए का वैल्यू आ गया अपने पास, c बाई ए का वैल्यू आ गया। इसके अलावा इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम देखें तो b का वैल्यू जो है वो सी क्यूब है, तो b का वैल्यू अगर सी क्यूब है, यहाँ से देखिए इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ लिखता हूँ, b बाई ए इज इक्वल टू हमारा 4 आया था, तो बी को हम इक्वेशन नंबर 1 में से सी क्यूब से रिप्लेस कर सकते हैं। तो सी क्यूब लिखता हूं अगर मैं, तो सी क्यूब डिवाइड बाय ए इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। और दूसरा दूसरा इक्वेशन नंबर 3 का अगर मैं क्यूब कर दूं, सी बाय ए मेरा 1 है, तो कैन वी से अगर मैं क्यूब करके लिख दूं तो दैट इज सी क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब। इक्वेशन नंबर 3 का हमने क्यूब कर दिया, वो भी 1 होगा, है ना। तो ऐसा क्यों किया, ताकि सी क्यूब कट जाए। अब अगर मैं ये ऊपर वाली इक्वेशन, इसको नाम दे देता हूँ ए इक्वेशन, और नीचे वाली इक्वेशन इसको नाम दे देता हूँ बी इक्वेशन, और अगर दोनों ए और बी को डिवाइड करें आपस में, तो सी क्यूब से सी क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, ए के से ए के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 2, और ए स्क्वेयर ऊपर निकल लेगा, तो ए स्क्वेयर का वैल्यू हमारा 4 आएगा, और ए का वैल्यू +-2 आएगा, बट एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए वुड बी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ +-2, तो 2 होगा तो भी 2 होगी, -2 होगा तो भी 2 होगी, तो आंसर 2 होना चाहिए, तो आंसर ऑप्शन 2 इसका फिट बैठता है, तो आंसर ऑप्शन 2 ही सवाल का सही उत्तर है, तो आंसर ऑप्शन 2 वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।